मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6 और बन रही है मेरी ब्लैक कॉफी। मौसम सर्दी वाला हो गया है पूरा। थोड़ी थोड़ी सी धुंध टाइप की दिख रही है। काफी ज्यादा सर्दी हो रही है, मतलब उठते साथ ही ना आपको स्वेटर पहनना पड़ रहा है, इतनी सर्दी हो गई है यहाँ पे अलीगढ़ में। खैर सर्दी होनी भी चाहिए, 10 नवम्बर हो गई है आज, फिर दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगी, मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स विंटर्स। तो अच्छा खासा विंटर पड़ रहा है, इस कहने का मतलब ये है। जैसे ही मेरी ब्लैक कॉफी बनके रेडी हो जाएगी मैं उसको लेके जाऊंगा अपने एडिटिंग टेबल पे, जाके कल का व्लॉग एडिट करूंगा। सर्दी की वजह से यार आजकल जल्दी नींद नहीं खुल पा रही है, 5:30-6 तो बजी जा रहा है। सर्दी के टाइम में सुबह जल्दी उठना थोड़ा सा टास्क होता है, हो सकता है 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद और ये फ्लो में आ जाए। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ यार कि मैं 5 बजे उठ ही जाऊँ ताकि 1 से 1.5 घंटे में एडिटिंग हो जाए, फिर उसके बाद ऑगी कोट टहलाने लेके जाऊँ भले छत पे या फिर पार्क में कहीं पे भी। गुड मॉर्निंग शिल्पी। ऑगी और शिल्पी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं सुबह उठ के। गंदा हो गया, नहाया नहीं, ऐसे गंदी स्मेल आ रही है तेरे पास से। गली में घूमता है, गली में घूम के आया तो स्मेल आ रही है, नहाएगा आज? दिला दूं तुझे? नींद नहीं आ रही इसको, जग गया ये पूरी तरीके से। तूने डॉग फूड नहीं खाया? रात को 2 अंडे का ऑमलेट खा लिएगा तो सुबह उठ के डॉग फूड थोड़ी खाएगा। वैसे बिस्किट्स खा लिए थे इसने सुबह सुबह। अरे मुंह तो खोल लो, रुक जाओ ऑगी खोल रहे हैं। हाँ थोड़े आराम कर लो, ठंडी का दिन है ऑगी, देर तक सोते हैं सर्दी में तो। क्या मुझे ये अलाउ है? जस्ट अभी एडिटिंग कंप्लीट हुई है, व्लॉग को रेंडर होने लगाया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 9:02 बाकी है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो बस मुझे लगता है कि अभी बस नहा धो करके सीधा निकल जाऊँगा, ब्रेकफास्ट स्टैंड पे कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से ऑफिस से आने के बाद शाम को। ओके 2000 years later. Hello, welcome back everyone. मैं ऑफिस से वापस आ गया और आज कुछ घर में ग्रोसरी का सामान लेके आया था काफी ज्यादा, तो अभी मैं और शिल्पी मिलके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है, अकेले करना तो चलो ठीक है आदमी धीरे 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 कर लेता है, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उसके हिसाब से सारी चीजें होती है, राइट शिल्पी? मतलब यहाँ पे शिल्पी कमांडर इंचार्ज है तो उसके हिसाब से चीजें होंगी। ये होता है ना कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाली बात यहाँ पे आ जाती है, तो उस केस में थोड़ी से यू नो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो कि अभी धीरे से अराइज हो जाएंगे मुझे पक्का लगता है। जब काम ज्यादा हो जाता है तो घर की महिलाएं इरिटेट हो जाती हैं, जैसे अभी शिल्पी हो रही है। मैं नहीं हो रही हो तुम शिल्पी? अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही बोला कि प्लीज डोंट इरिटेट मी। वो इसलिए बोला था, तुमने कुछ बोला था उल्टे जवाब। ये कोई और डिब्बा खाली नहीं है? नहीं जी खाली तो कोई भी ना है, इसमें क्लिप्स लगा के रख दो। हाँ यस ये लग गई क्लिप। ओह ये तो सूजी है। अरे ये तो खाली नहीं हुई, हलवा बनाए क्या तुम? सूजी का चिल्ला बनाती का टोस्ट बना के देती हो? तो बस अब मिल करके ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, जल्दी से ऑर्गेनाइज कराने के बाद नहाते हैं फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. ये देखिए भाई साहब, ये है रॉकेट वाली चॉकलेट, ये देखो बम वाली चॉकलेट, पूरा इसको घुमा के दिखाओ पूरा ऐसे 360 रोटेट करा के दिखाओ कि ये बम कैसा। अरे बाबा ऐसे नहीं रे, ये देखो ये किंग कॉन्ग वाला बम, ये भी दो बम और चक्री भी है अपने पास। चक्री दिखाओ मैंने खा लिया आज। चक्री एक और है, वो देखो रेड वाली है ना चक्री, वो चक्री नहीं है। ये देखो ये चक्री वाली चॉकलेट, इस साल ना ये बहुत ज्यादा फैशन आया है क्रैकर्स के शेप में चॉकलेट। तो अभी शिल्पी ने ये रॉकेट वाली खोली है तो अभी हम अपन रॉकेट खाएंगे। ऑगी किधर गया? ऑगी पॉटी करने गया है वहाँ पे। चलो सही है, लड़का बाहर तो जा रहा है पॉटी करने, अच्छी बात है। चलो शिल्पी इसको कैसे खाएंगे, ये डायरेक्ट खानी है अभी कि क्या है? खानी है। ओहो ये आधा आधा है, ये लो आधा रॉकेट तुम खाओ आधा रॉकेट में खाता हूँ। कैसी है ये, डार्क टाइप है? 8:01 PM. अब डिनर की तैयारी होने जा रही है, अभी अपन बैगन को भून के रख रहे हैं। आज बैगन का भरता नहीं बनेगा, बैगन का भरता बनेगा कल, लेकिन भून के आज रख ले रहे हैं। बटर नहीं लाए? हाँ तो कल चाहिए बैंगन के भरते में, अब भून के रख देते हैं, कोई खराब थोड़ी ना होते, कोई दिक्कत नहीं। कल शाम बनेंगे? हाँ, तो कल सुबह क्या बनेगा? सुबह मूली के पत्ते की
वाओ आई लव मूली के पत्तों की भुर्जी। तो बैगन चलो ठीक है भून के रख लेते हैं बैगन। अभी देखो इसमें ऑयल लगा रही हो, सरसों का तेल और ऑगी हमेशा की तरह किचन में आके हमारे पास बैठ गया है अपनी फेवरेट जगह हमारे कदमों में। ये देखो जी दोनों बैगन कैसे भुन रहे हैं। बैगन का भरता बनाएंगे इसको, कल बनाएंगे। तो फिर कल मूली की भुर्जी दे दो। हाँ यार मुझे बहुत पसंद है यार मूली की भुर्जी। तूने पिछली बार बनाई थी ना शिल्पी, बहुत अच्छी बनी थी मूली की भुर्जी कसम से। मुझे तो स्पेसिफिकली बहुत पसंद आई थी। पापा को भी पसंद आई थी। तूने अच्छी बनाई थी शिल्पी, तू सीख रही है धीरे धीरे। वैसे मैं ये देख रहा हूँ तू सीख रही है धीरे धीरे। अजी हाँ अच्छा मतलब हाँ आता है मास्टर शेफ यार। शादी के बाद एक बार भी तुम किचन में घुसे और कहा कि आज डिनर तेरा भाई बनाएगा, ये वाला डायलॉग मैंने सुना ही नहीं है शादी के बाद। अबे यार मतलब कि मैंने आज भी बोला कि खिचड़ी मैं बनाऊंगी। खिचड़ी मुझे पता है खिचड़ी खानी है, मैं स्वान ही खाना। हाँ वो स्वान ही बनाता, मैं खिचड़ी बनाता हूँ तुझसे अच्छी बनाता हूँ, तुझे भी ये बात पता नहीं, है मुझे अच्छी। ये पत्ते तो खराब से हो गए यार। खराब नहीं है। ठीक है जी मूली के पत्ते काट के क्या अभी सब्जी बनानी है? नहीं नहीं मैं तैयारी करके रखती हूँ, सुबह सुबह मुझसे नहीं होता। ओके 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 ठंड लगती है। तो शिल्पी आज कौन सी खिचड़ी बना रही हो तुम? मूंग दाल की खिचड़ी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी शिल्पी बना रही है मूंग दाल की खिचड़ी। मुझे अरहर की दाल की खिचड़ी पसंद है शिल्पी, यू नो दिस राइट? तो अच्छा दाल चावल ही खा लो। तो अच्छा मूंग की दाल नहीं बनती क्या दाल चावल में? तो मैं, ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, तो इससे अच्छा दाल चावल ही खा लो। बोलो बोलने में क्या जा रहे हो, बनेगी तो खिचड़ी लेकिन। कछू बना लो लाली कछू बना लो। अचानक से देखो भूल गए, एक काम याद आ गया, ऑगी को एंजाइम पिलाना है। यही 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 हर बार रह जाता है ना, दिमाग से चीजें स्लिप हो जाती हैं, सामने रखी रहती है फिर भी भूल जाते हैं पिलाना। ऑगी आओ चलो आ जाओ। अरे वाह आवाज देने पे आ गया बिट्टू। अच्छा ये पहले अपने डॉग फूड कुछ तो खा ले। ऑगी देख 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 कैसे भाग के छुप रहा है ये। ऑगी आओ, ऑगी इसको पकड़ के लाओ यार। मैं नहीं ला रही। ले आ यार प्लीज। ऑगी नो आओ चलो बिट्टू। दवा खाते हैं ना गुड बेबीज, ये अपने आप मुंह खोल लेगा, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं। ऑगी नो। बस छोटी सी बात थी। गाइज हमारा डिनर रेडी हो चुका है। आज मैडम ने बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी, जैसे आप लोग को अभी पता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैडम ने आज बनाई है। क्यों बनाई है आई डोंट नो, शायद उनका ये प्यार है मेरे लिए बहुत ज्यादा जो उन्होंने ये बनाई है, राइट शिल्पी? आई नो यू लव मी अ लॉट, इसलिए तुमने आज ये मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। कुछ नहीं। और उसके साथ है हमारे पास अचार सैलेड पापड़। दही नहीं है, कोई बात नहीं, अब जब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हो किस तरह घी तैर रहा है खिचड़ी में। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी और अचार। तो दही छोड़ करके हमारे पास सारे खिचड़ी के यार मौजूद हैं। तो अब हम लोग बिस्मिल्ला करेंगे और इस वीडियो को इधर ही एंड करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस कोई भी पैसा नहीं कट रहा है, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे, लव टुमारो।